नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। उत्तर प्रदेश में दो मामले हैं जो बहुत तेजी से लोगों का जो ध्यान है वो अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। पहला मामला है महंत नरेंद्र गिरी केस और दूसरा है मौलाना कलीम सिद्दीकी का, जिनके ऊपर अवैध रूप से धर्मांतरण करने का मामला चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन दोनों अलग अलग मुद्दों को हम एक साथ क्यों लेकर के आ रहे हैं और क्या संबंध है इन दोनों मामलों का आपस में। बताती हूँ आपको, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने एटीएस के किए गए अवैध धर्मांतरण के मामले में अरेस्ट किए गए मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। इमरान का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या मामले से ध्यान भटकाने के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, एक बहुत दुखद हादसा हमारे सामने घटित हुआ। महंत नरेंद्र गिरी जी की आत्महत्या नहीं, हत्या हुई, हमारा मानना है। और मेरा मानना ऐसे नहीं है। आज भी मैंने समस्त अखबारों के अंदर पढ़ा और स्वामी कैलाशानंद जी का भी बयान था और तमाम लोगों के बयान उसके अंदर थे। आप चाहें तो हिंदुस्तान के अंदर पूरा डिटेल के साथ है। उन तमाम सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं है अभी, और इन तमाम सवालों से बचने के लिए एक ऐसे आदमी को जिसको सारी दुनिया जानती है, जिन्होंने तालीम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, और जो ऐसा अखबार के अंदर, मुझे नहीं पता जो अखबार में दिखा रहे हैं, जांच कर रहे हैं, हमारा कहना है निष्पक्ष जांच करिए। और FCRA अगर नहीं है तो आप केस भी दर्ज करिए, लेकिन अगर उनके पास सारे सरकार की जानकारी में डाल करके कहीं से, चूँकि जो हमारे बड़े मुल्क हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनमें ज़कात का और खैरात का बहुत पैसा होता है, और वो इसी तरह से तमाम मुल्कों के अंदर बच्चों की शिक्षाओं के लिए या लोगों के, गरीब लोगों के उत्थान के लिए देने का काम करते हैं। वो पैसा वहाँ से आया होगा, इसमें मुझे कुछ जानकारी नहीं, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये सारा प्रकरण महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत के सच को सामने लाने से हटाने के लिए किया गया कि महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत के ऊपर जो सवाल खड़े हुए हैं उन सवाल का जवाब ना देना पड़े। ध्यान भटकाओ और राज करो, ये भाजपा की नीति है। क्या आप क्या कह रहे हैं कि गिरफ्तारी गलत है? निश्चित रूप से, अगर आप जिस तरह से मौलाना कलीम साहब को हम लोग जानते हैं, मौलाना कलीम साहब इस पूरे इलाके के अंदर गांव-गांव में बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने का काम करते हैं, सब लोग जानते हैं। और हमें कहीं भी, देखिए, ये धर्मांतरण का नाम देकर के आप जिस प्रकार से किसी के ऊपर भी निशाना साध देते हो, मज़हब कौन क्या इख्तियार करेगा ये उसका अपना ज़ाती मसला है, किसी का उसमें दखल अंदाजी नहीं होती। और ज़बरदस्ती करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती मतांतरण, धर्मांतरण कराता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान मसूद का कहना है कि मौलाना ने शिक्षा के क्षेत्र में और इस्लामिक तालीम के क्षेत्र में कई बड़े और अच्छे काम किए हैं, और इस तरह से जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो सरासर गलत है। और अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। मौलाना कलीम सिद्दीकी धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक संगठनों की आड़ में पिछले 15 वर्षों से धर्म परिवर्तन जैसे कुकृत में लिप्त था। इस पूरे खेल में विदेशी फंडिंग का भी सबूत प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश की ATS ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के अंतर्गत उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। कांग्रेस अब इमरान मसूद के माध्यम से कलीम सिद्दीकी जैसे व्यक्ति को बचाने के लिए सामने आई है। वोट बैंक की लालच में कांग्रेस धर्म परिवर्तन जैसे कुकृत करने वाले कलीम सिद्दीकी के साथ भी खड़ी होने में बाज नहीं आ रही है। खैर, खबर जो भी हो यूपी तक आपको उस खबर से रूबरू जरूर कराएगा, लेकिन उसके लिए आपको यूपी तक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ अब आप इस खबर को ना सिर्फ देख और सुन सकते हैं, बल्कि अब आप इस खबर को यूपी तक .in के वेबसाइट पर पढ़ भी सकते हैं। नमस्कार।